केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं स्वागत स्टोर में और डिफरेंट टाइप ऑफ मैगी लेने के लिए। वो किस लिए लेंगे वो आपको थोड़ी देर बाद हम लोग बताएंगे। नए टाइप्स के मैगी हैं, सारा उठाओ एक एक। अलग अलग टाइप्स और आगे भी है, आगे आगे नहीं, ये वाला सेम नहीं। और एक ऊपर है, वाई वाई एक एक, ये क्लासिक फ्लेवर ये वाला, एक 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 चाहिए बाबू, एक एक बस एक एक। तो इतने सारे मैगी हो चुके हैं। और देखो तो और कोई अलग फ्लेवर है क्या? तो विमान ले लिया जितने वैरायटी के मैगी थे यहाँ पे, कुछ अपने लिए भी लिया चाहते हैं। तभी चलो चलो बिलिंग करा लेते हैं। तो ये हम लोग बिलिंग कराते हुए तो ये है मैगी इतने टाइप्स का, बाकी आपको घर जाने के बाद बताएंगे। हे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं और विमानी क्यों बैठी हूँ और इस थैला में क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग बैठे हुए थे और कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो मेरे और विमान के दिमाग में खुरापाती आया। वो क्या विमान? हम इतने सारे नूडल्स खाए, सब नूडल्स को एक में मसाला नूडल्स बनाएंगे। ऐसा आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा नूडल्स है। तो सबसे पहले है ये यूपी नूडल्स और इसे रखते हैं साइड। सेकेंड है टॉप रेमन करी, ये है नॉर्मल जो हम सबका फेवरेट मेरी मैगी। ये है हमारे पास वाई वाई जो मेरा बहुत ही फेवरेट और विवान का, जिसे कच्चा ही मसाला डाल के खा लेते हैं। और है फिफ्थ नंबर पे, ये भी टॉप रेमन का मसाला नूडल्स है। ये भी टॉप रेमन है लेकिन ये करी है, ये मसाला है, तो इसे भी रखते हैं। वो दूसरे ब्रांड का भी है। हाँ ये दूसरे ब्रांड का भी है, ये नहीं दोनों ब्रांड एक ही निशान का ही है, वो निशान है। हाँ हाँ वही है। चलो 1 2 3 4 5, अब 6 नंबर है हमारे पास, ये भी वाई वाई का ही है, क्लासिक मसाला फ्लेवर। यार मैं जिस शॉप पे गई थी वहाँ बस इतने सारी मैगी थे और खाने की मैं लेती हूँ, और इतना काफी है, इतना ही बनाएंगे तो बहुत नूडल्स वेस्ट होने वाला, जो मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन कोशिश करूंगी कि किसी को दे दूँ ताकि बर्बाद ना हो हमारा नूडल्स। नहीं तो ये है क्लासिक मसाला फ्लेवर, और है ये है मैगी लेकिन ये मसाला आटा नूडल्स है, ये वाला मैगी का आटा नूडल्स है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है मैगी का स्पाइसी मसाला नूडल्स। तो हमारे पास टोटल मैगी नूडल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइप्स के नूडल्स है। तो आप यहाँ पे आके कैमरामैन यहाँ पे आके दिखा दीजिए एक एक करके। तो ये सारे हैं नूडल्स जो बनने वाले हैं एक कढ़ाई के अंदर। ये मेरा फेवरेट है, ये विवान का फेवरेट है। इसमें से बहुत सारे नूडल्स है जो मैं कभी खाई नहीं हूँ, सच बताऊँ तो ये टॉप रेमन मैं कभी नहीं ट्राई किए, कभी नहीं। ये वाला भी मैं कभी ट्राई नहीं की, और ये वाला भी मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ, और ये सारा ट्राई की, ये सब पसंद भी है। बस ये तीनों नूडल्स तो पसंद नहीं, और ये तीनों नूडल्स जो मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ, फर्स्ट टाइम करी हूँ, वो भी एक में बना के, पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसका टेस्ट कैसा आने वाला, सच में बता रहे हैं। पहली बार ट्राई करेंगे पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, पता ही नहीं चल रहा, होने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा बनता है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं इसे मसाला नूडल्स बनाएंगे, क्योंकि पानी में बॉयल वाला मैगी मुझे उतना पसंद नहीं है और इतना सारा वेस्ट भी हो जाएगा, तो क्यों ना मसाला नूडल्स। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन मसाला नूडल्स बनाएंगे। तो अभी इस नूडल्स का सारा मसाला एक जगह निकाल लेते हैं एक बाउल में, तो अभी निकालते हैं। तब तक विवान आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएगा, विवान मूवी देखने गया था, तो विवान का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है सुना? चलो तब तक मैं कट करती हूँ, जल्दी सुनाओ बेटा, अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी सुनाओ तब मैं मसाला निकालती हूँ। ये है इसमें ओनियन फ्लेवर ऑयल भी देता है और इसमें मिर्ची भी रहती है। चलो सुना विवान, तब तक गाना सुनाओ, सुना दो बेटा। तो विवान और मेरा कैमरा मैन कार्तिक बना है, तो वो दोनों मिलके गाना सुना, जल्दी जल्दी सुना, कल जो मूवी देख के आया था। चलो स्टार्ट कर रहे, 1 2 3। मुझको
इतना बताए कोई कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा बिंदी पे सारा तेरी फिक्र में रन सारी तेरी खैर बनाऊं। बस एक नूडल्स और बचा हुआ है जिसको मसाला निकालना है, तो ये भी निकल गया। सब सबको कट करके इसमें डाल लेते हैं, तब तक इस मैगी को भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मैं निकाल लेता साइड में करो, मैं निकाल तुम पकड़ो, मैं निकालती। गाओ गाओ तुम लोग, कंटिन्यू करो अपना सॉन्ग। आओ नीचे नहीं गिराना बेटा, ध्यान से करना। इसे रखते हैं साइड कचरा में। तो ये रहा हमारा नूडल्स, जो विवान चोरी चोरी देखिए मुंह में खा रहा है, कब चोरी करके खाया पता नहीं चला, बदमाश। तो ये है नूडल्स, ये है इसका मसाला, तो इसे भी निकाल लेते हैं नहीं, ताकि बनाने में आसानी रहे हम लोग को। इसे निकाल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं सबको एक बाउल में। ये चोर को देखिए चोरी करते हुए, बेटा झूठा नहीं करते, फिर मम्मा बनाने नहीं देगी ना किचन में। मम्मी को कह दे बनाते, मम्मा वीडियो देखेगी तो फिर डांटेगी नहीं क्या? देखो वहाँ वीडियो। अच्छा झूठा नहीं करते बेटा, बनाना है ना उसे। उड़ा मड़ा करना पड़ेगा नहीं, ऐसा कोई बात ना। चश्मी रहता ना मसाला का, सब मिक्स हो जाएगा बेटा, तो कैसे नहीं झूठा नहीं करना बाबू। हो गया सारा पैकेट का मसाला भी निकल गया। कैमरा मैन इधर आइए, ये दिखाइए इतने सारा मसाला और ये मैगी और ये ओनियन वाला है, तो इसे बनाते टाइम डालेंगे। तो अभी चलते हैं किचन में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और एक हाथ में नूडल्स, एक हाथ में वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ लिया प्याज, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च। मुझे हरी धनिया बहुत ज्यादा पसंद है, मैं हर चीज में धनिया डाल के बनाती हूँ। तो अभी बना लेते हैं। विमान किचन में नहीं आया क्योंकि कल उसका एग्जाम है, तो स्टडी करने गया, थोड़ा बहुत पढ़ाई उसका बचा हुआ था, तो वो कंप्लीट करके फिर मेरे साथ वीडियो में आएगा। और वैसे भी उसका किचन में कोई काम नहीं था, छोटा है। तो अभी बना लेते हैं नूडल्स। तो अभी हम कढ़ाई ले लिए, मेरे घर में अभी इतना ही बड़ा कढ़ाई है, बड़ा वाला मिल नहीं रहा है, वो अंदर रख रहे थे क्योंकि उसका यूज होता नहीं, तो आई थिंक बन जाना चाहिए इतने बड़े कढ़ाई में। तब इसमें डाल देते हैं तेल, अब इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, तो उसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, साथ में प्याज, तो प्याज भी हो गया। तो अब इसमें डाल देते हैं टमाटर, तो टमाटर भी हो गया, तो इसमें डाल देते हैं मसाला, साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ऐसे मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, तो अब डाल देते हैं ये ओनियन, ये तो मैं भूल ही गई थी डालना, अभी याद आया। डाल देते हैं पानी, अब इसमें डालेंगे नूडल्स। देखो नजदीक आके देखो पूरा बन गया कढ़ाई, देखो पूरा कढ़ाई बन गया। थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा आई थिंक, है ना।
तो ये कढ़ाई पूरा फुल हो गया, इसमें और पानी डालना पड़ा है। तब इसके ऊपर से डाल देते हैं ये धनिया और इसे अब मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैगी बिल्कुल रेडी है। स्मेल तो बहुत ही टेस्टी आ रहा है, सच बताएं तो स्मेल अब टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है। ये बिल्कुल एक कढ़ाई बन गया है, इतना ज्यादा बन गया, पता नहीं खाएगा कौन इसे। तुम ही खाओ, इसे निकालते हैं एक बाउल में। मम्मी तो पाव भाजी बनाई है, मम्मी पाव भाजी बनाई है आज, और आज मैं इतना सारा नूडल्स भी बना दी। तब इसे एक बाउल में निकालते हैं, तब इसे निकाल लेते हैं गर्मा गर्म नूडल्स। पता नहीं टेस्ट कैसा, लेकिन इसमें ना धनिया डालने से बहुत ज्यादा स्मेल बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। धनिया धनिया वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो इतना निकालते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है। तो मैगी मैंने बना लिया है, सच में बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, टेस्टी टेस्टी। और मुझे लगा था कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, खा पाएंगे कि नहीं, तो कार्तिक को भी बुला लिया टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, यही बताएगा कि कैसा है। तो अभी ये देखिए मैगी, कैमरामैन नजदीक आके दिखाइए, टेस्टी टेस्टी मैगी। तो कार्तिक विमान बताओ कैसा है। कार्तिक तो चॉपस्टिक से ही खाएगा, हम तो भाई काटर से ही खाते हैं। बहुत गर्म है, यम्मी यार, लग ही नहीं रहा आठ टाइप्स का नूडल्स उसमें है। कैसा लगा विमान, मस्त लग रहा है ना, सच में टेस्टी लग रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी ट्राई करके देखना, कोई ऐसा नूडल्स है जिसका अलग से टेस्ट आ रहा है, आई थिंक रामेन का है ना, फिर से खा के बताते हैं आपको। एक बस एक नूडल्स का लग रहा है कुछ अलग से है इसमें, है ना, लग रहा है। और मैगी वो जो येलो वाले मेरी मैगी होती है उसका तो टेस्ट ही नहीं आ रही है पूरा, पता नहीं वो कहाँ गया, वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है ना, तो वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सच में बहुत ही यम्मी है, बहुत ज्यादा। अगर आपका भी मन ना लगे घर पे, टाइम पास ना हो रहा हो, तो आप भी एक बार इसे ट्राई करना, इस पागलपंती को तो हट के खाना है मैगी में, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। खाते मेरा भाई तो एकदम चॉपस्टिक से एकदम अच्छे से खा लेते हैं, मेरे से भाई नहीं हो पाता, और विमान भी खा लेता। जोर से बोलो विमान, क्या हुआ, मुझे लगा था बर्बाद हो गया, लेकिन सच जाएगा। हाँ गोलगप्पा भी कार्तिक खा लिया था, आज सच जाएगा इससे, मेरे को लगा था बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कढ़ाई पूरा खाली हो गया, मैंने सबको दे दिया खाने के लिए। कार्तिक पूरा तुम ही खाओगे क्या, हम लोग नहीं यार, देख रहे हो यार इतना मेहनत की हम उस समय से, किचन में इतना गर्मी था, देखो पूरा पसीना पसीना, मेरी मेहनत है। अरे फंस गया, तो हमारी लड़ाई के बीच मन्ना भी आ गई है, देखिए कैसे लड़ रही है, देखिए देखिए कैसे लड़ रही, इसको भी खाना है, यहाँ बैठ के खाना है। तो हमारी लड़ाई ऐसे चलती रहेगी, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।